आज मैं कुछ कन्वर्शन्स के लिए मेमोरी एड या टेक्निक बताने वाली हूं बच्चों को अक्सर कन्वर्शन्स uh, होते हैं कि ग्राम uh, से किलोग्राम में कन्वर्ट करें या किलोग्राम टू मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो दिक्कत हो जाती है याद रखने के लिए कि उन्हें करना क्या है उन्हें मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था ये अक्सर बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं तो वो याद रखने के लिए उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका एक है एस बी डी और दूसरा है बीएसएम अब ये एसबीडी क्या है और बीएसएम क्या है एसबीडी इज स्मॉल टू बिग जब भी कन्वर्ट करना है यू हैव टू डिवाइड एस बी डी स्मॉल टू बिग कन्वर्ट कर रहे हो डिवाइड करना है तुम्हें एंड बी एस एम इज बिग टू स्मॉल कन्वर्ट कर रहे हो यू हैव टू मल्टीप्लाई तुम्हें मल्टीप्लाई करना है अब ये स्मॉल टू बिग है बिग टू स्मॉल है ये भी कैसे ध्यान रखें एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ग्राम्स हमें अपना आवाज का मॉडिफिकेशन करके ऐसे आवाज में थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करके ऐसे कि जब हम बता रहे हैं कि किलो या टन तो हम अपने आवाज में भारीपन लाके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये बड़े यूनिट्स है किलो टन और जब हमको बताना है कि मिलीग्राम तो हम अपना आवाज वैसे ही मॉडिफाई करें और बताएं मिली तो उससे हमारे आवाज के मॉडिफिकेशन से बच्चों को ध्यान रह सकता है कि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट बड़े यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं या हम लोग छोटे यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें किलोग्राम टू मिलीग्राम करना है तो हमें किलोग्राम से मिलीग्राम में करना है तो एक आवाज का मॉडिफिकेशन उनको याद रखने में उनको एक एक ट्रिगर दे सकता है एक हिंट दे सकता है उनको कि किलोग्राम से मिलीग्राम में करना है यानी बिग टू स्मॉल करना है या उन्हें करना है मिलीग्राम टू टन में तो मिलीग्राम से टन ये हमारा आवाज का मॉडिफिकेशन उनको ध्यान दिलवा सकता है कि यस वो कहा कन्वर्ट कर रहे हैं वो बिग टू स्मॉल कर रहे हैं या स्मॉल टू बिग कर रहे है अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है थ्री के को ग्राम्स में तो हमें अपना आवाज मॉडिफाई करके ने बच्चे को हमको वैसी आदत दिलवानी कि जब वो कन्वर्शन कर रहा है तो अपने दिमाग में वो सोचेगी क्या कन्वर्ट करना उसको केजी को ग्राम्स में ने बड़ा छोटे में जा कन्वर्ट होने वाला है सो द कन्वर्शन इज बिग टू स्मॉल उसे लिखने की जरूरत नहीं है उसके दिमाग में वो हिंट अपने आप आ जान चाहिए कि आई एम कन्वर्टिंग अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट बी एस एम यानी मुझे करना है यहां पर मल्टीप्लाई किलो किलो वर्ड ही हिंट रहता है बताने के लिए कि मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड सो द गिवन वैल्यू हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड टू गेट द डिजायर्ड आंसर सिमिलरली फाइव टन को ग्राम में करना है टन ग्राम में एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में अगेन बिग टू स्मॉल लेकिन अब यहां पे कन्वर्शन बिग टू स्मॉल हो रहा है लेकिन इन टू स्टेप्स पहले टन्स का कन्वर्शन होगा के में और फिर के का कन्वर्शन होगा ग्राम्स में और टू स्टेप कन्वर्शन लेकिन ये बिग टू स्मॉल ही हो रहा है तो इन्हें थ्रू आउट हमारे कन्वर्शन में भले ही वहां पर टू स्टेप्स इन्वॉल्व है लेकिन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन होगा और यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन ही होगा टन्स टू ग्राम पहले टन्स को के में करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड अगेन किलोग्राम को ग्राम्स में करने के लिए अगेन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड सो द गिवन वैल्यू फाइव विल बी मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड टू टाइम्स टू गेट द आंसर इन द डिजायर्ड यूनिट तो ये हिंट काफी रहेगा बच्चे को याद रखने के लिए कि उसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है बिग टू स्मॉल अगेन अब यहां पे कन्वर्शन है उसका 6500 ग्राम्स टू किलोग्राम्स ग्राम्स टू किलोग्राम्स स्मॉल टू बिग एस बी डी यानी यहां पे तुम्हें डिवाइड करना है डिवाइड बाय थाउजेंड so the given value has to be divided by thousand to get the desired answer. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखे यहां पर है मिलीग्राम टू किलोग्राम मिलीग्राम टू किलोग्राम ये डायरेक्ट कन्वर्शन नहीं है इसमें भी स्टेप इन्वॉल्व है मिलीग्राम विल बी कन्वर्टेड इन टू ग्राम एंड देन ग्राम विल बी कन्वर्टेड इन टू किलोग्राम पहले ही इसमें स्टेप इन्वॉल्व है लेकिन हर स्टेप में वही एक ही चीज फॉलो होगी क्योंकि यहां पे मिलीग्राम मिली टू किलो छोटे से बड़ा स्मॉल टू बिग इन्वॉल्व है तो हर जगह डिविजन ही रहेगा डिविजन बाय Thousand. So seven thousand will have to be divided by.